हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या लिखा है, पी क्यू एंड एस टी आर पैरेलल और एंगल पी क्यू आर इज 110 एंड आर एस टी फाइंड करना है क्यू एस आर, हमें ये एंगल फाइंड करना है राइट, क्यू आर एस सॉरी क्यू आर एस। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ड्रॉ अ लाइन, इसका नाम डाल देते हैं ए बी, ए बी पैरेलल टू पी क्यू थ्रू आर, आर से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू क्या होगा, तो इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नाम डाले हमने ए बी। ओके नाउ वन थिंग, सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू और पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, मतलब कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, ये दोनों के पैरेलल है, तो हमें इससे मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा कि ए बी जो है वो पैरेलल है एस टी के। देखो ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल था, तो ये दोनों भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पहले इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है तो बहुत आसान हो जाएगा, अब तुम अगर तुम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो राइट, तो ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है 130 के बराबर होगा राइट। और चलो करते हैं पहले इस पूरे को 130 बराबर, दो सवाल करने बहुत से तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको पूरे को 130 बराबर कर दें और फिर ये एंगल निकाल लें कितना होता है और माइनस कर दें राइट। बात समझो, ये में लिखा मैंने पैरेलल है और देन तुम्हारा एस आर इज ट्रांसवर्सल, ध्यान से देखते रहो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल एस आर ए इक्वल टू एंगल टी एस आर रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 एंगल एस आर ए, एस आर ए मतलब एस आर ए, ये पूरा, ठीक ये पूरा। नाउ अगेन देखते हैं, नाउ या ले सकते हो अगेन पी क्यू इज पैरेलल टू ए आर ए बी सॉरी पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, यानी इस एंगल को और इस एंगल को सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 राइट, रिजल्ट इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ठीक है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, जरा से क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक या तो समझ आ गया होगा। चलो इसे जरा रफ कर देते हैं इधर, सब नोट तो कर ही लिए होंगे, रीजन सी तो लिखें ठीक है, और इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, याद रखना। तो ये यानी कितना आ जाएगा, इस ये है पी क्यू 110, ये है 110 प्लस क्यू आर ए इक्वल टू 180, देन एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट्स इक्वल टू 70 राइट क्यू आर ए। अब देखो ये टोटल 130 था और ये 70 था, तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना, ये टोटल 130 था और ये 70 आया, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, देन फ्रॉम फिगर, फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल एस क्यू एस आर क्यू एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर माइनस एंगल क्यू आर ए, एस क्यू नहीं एस आर ए ठीक है एस आर ए, ठीक माइनस करते हैं 130 130 जैसा और माइनस 70, माइनस करो कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। ओके चलो नोट कर लो इसे, फिर करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, अब फिर क्या लिखा है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, ये 50 गिवन है, हमें वाई और एक्स फाइंड करना है और ये लाइन पैरेलल है, मेन चीज को सी डी जो है ए बी जो है सी डी पैरेलल है। देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ओके, और हम ये चाहे निकाल सकते हैं,
है ना, 180 से माइनस कर लें, इन दोनों सम कितना होगा 180, इसे जेड मान के जेड प्लस 127 इक्वल टू 180 करें, राइट, और सॉल्व कर लें जेड कितना आएगा 180 माइनस 127, ठीक। उसके बाद इन तीनों सम करके मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा, ये और ये तो हमें पता ही होगा, तो बाकी हम वाई निकाल लेंगे, राइट। एक तरीका तो ये है, एक वे हमारा ये होता है, बात किसी भी सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो इसमें एक वे तो ये कर सकते हैं, ठीक है। या तो एक बात ध्यान दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दे थोड़ा सा, थोड़ा बढ़ा दो, तो ये पूरा और ये पूरा भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है, ठीक है। चलो करते हैं, फिर धीरे समझ जाएंगे। देखो क्या लिखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और तो ट्रांसवर्सल इसे लिखना जरूरी होता है, इसलिए ट्रांसवर्सल लिखना जरूरी होता है कि पता चलना चाहिए ना, पी क्यू इज ट्रांस वर्सल, ओके, समझ में आ रहा है ना। बहुत आसान है यार, तुम टेंशन ना लो, कितना आसान है। देखो एक्स स्क्वायर सीधे 50 लिखिए, रीजन वही होता है हम लोग का अल्टरनेट, अगर तुम लोग इंटीरियर एंगल लिखने मन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ लिख दो अल्टरनेट एंगल तब भी काम चल जाएगा, राइट, ऐसा नहीं नहीं चलेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इस बार तो वैसे सब कुछ ऑनलाइन ही है, और फिर लिखते हैं अगेन, यहाँ लिख दो अगेन। देखो ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ईजी होती है, मतलब अगर पढ़ो तो, बस अंतर यही है खुद से पढ़ना है। तो पी आई इज ट्रांसवर्सल, कोई डाउट होने पे कमेंट करो, पूछो सवाल, बताऊँ कुछ और डाउट हो कुछ भी, कि सर नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, होती नहीं है, तो उसे बताओ कुछ भी पर्सनल बात, मतलब कि थोड़ा तो बताओ कैसे करना है ना, पढ़ाई करेंगे। देखो ये है ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम भी, या ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, कौन से एंगल, ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, ठीक है, रीजन वही है अल्टरनेट। ऑनलाइन पढ़ाई के बस एक चीज़ रखना, रेगुलर खुद से रहना, और हर एक वीडियो जो डाल रहा हूँ लाइन से देखो, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, ये 50 प्लस वाई है और ये 127 है, राइट, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 माइनस 50 दैट इक्वल टू 77, ओके, समझ में आ गया। चलो नोट कर लो इसे, फिर करते हैं इसका लास्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 दो मैंने लिखा नहीं है, पता ही क्या गिवन है, इसमें गिवन है पी क्यू एंड आर एस दो मिरर है, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है इसमें, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ठीक है ना, दो मिरर्स हैं, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, उसके पास एक ट्रांसवर्सल ये जा रही है, एक ये रे जा रही है, यहाँ टकराई फिर यहाँ वापस हुई फिर यहाँ टकराई उधर गई, ठीक है, ये इसमें ये है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, देखो ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, फिर ये ऐसे के इंसिडेंट हो गया, मैं रे ऐसे गई टकराई फिर ऐसे आई और ऐसे गई, तो हमें टू प्रूफ करना है इसमें कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी की, ठीक है ना। इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, ठीक, क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ये है कि हम ड्रॉ करते हैं ए एम एंड सी एन परपेंडिकुलर, राइट, ए एम, ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक, हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हमने पी क्यू पे बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और सी एन परपेंडिकुलर टू क्यू, सॉरी आर सी, आर एस पे, आर एस पे सी एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या कह सकते हो एन सी, ठीक है। चलो प्रूफ पे आते हैं, एक बात समझो, इसको थोड़ा नाम डाल लेते हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये थ्री डाल लेते हैं और ये फोर डाल लेते हैं, ठीक है। देखो एंगल वन जो है वो इक्वल होगा एंगल टू के, एंगल थ्री जो होगा वो इक्वल होगा एंगल फोर के, ये रीजन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ, ये अभी शायद नहीं पढ़े होगे या पढ़ भी ली होगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये इंसिडेंट रे होता है, इसका रीजन होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, ये और ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। नाउ अब बात समझो, देखो हमने क्या कहा कि ये दोनों, तो अगर मैं तुम्हें चीज़ बताऊँ, देखो पी क्यू जो है वो पैलर है आर एस के, और हमने ड्रॉ किया है बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस, तो इसका मतलब अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो पैलर है इसके बीच में, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैलर होंगे, तो सो बी एम
इस पेपेंडिकुलर पैलर सॉरी पैलर टू सी एन, बी एन जो है पैलर हो जाएगा सी एन के, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हो गए पैलर हो गई। अगर ये दोनों लाइन पैलर्स हो गई राइट, अगर ये दोनों लाइंस क्या हो गई पैलर्स हो गई तो क्या होगा देन, राइट हाँ ये दोनों लाइन पैलर्स हो गई ठीक, तो इसे ले सकते हो बी एम पैलर टू सी एन एंड बी सी इज ट्रांस वर्सल, तो एंगल टू जो है वो इक्वल होगा एंगल थ्री के, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल राइट, ये इंटीरियर लिखा है राइट इंटीरियर एंगल। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं टू टू ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड में टू मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू एंगल टू स्क्वायर टू टू एंगल थ्री, यानी एंगल वन प्लस एंगल टू स्क्वायर टू एंगल सॉरी एंगल टू, दो बार टू लिख देते हैं और प्लस एंगल थ्री। अब एंगल टू की जगह पर हम एंगल वन ले सकते हैं क्योंकि एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, और एंगल इस थ्री की जगह पर ले लेते हैं फोर, क्या एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल है। अब ये क्या होता है एंगल वन प्लस एंगल टू क्या है, एंगल ए बी सी दैट इक्वल टू एंगल बी सी डी राइट, समझ में आ गया, ये नोट कर लो, थोड़ा सा लिखना और बाकी का सवाल हो गया ठीक है। तो अगर हमें ये दोनों लाइंस नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया वीडियो, अगर हमें ये दो पूरा एंगल यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इक्वल मिल गया है ठीक है, तो दे राइट दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ लाइन, किस लाइन के ए बी एंड सी डी, और क्या लिखा है एंड विथ 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 ट्रांसवर्सल बी सी, तो हमें मिल गया ए बी पैरेलल टू सी डी, बस यही प्रूफ करना था राइट, तो ये हमारा प्रूफ आ गया ओके। चलो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, वीडियो कैसा लगा बताना, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करो ना अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, कुछ नए बच्चे जिनको नहीं पता भी, ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू हैव अ नाइस डे टेक केयर।